हेलो फ्रेंड्स आज हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं उसमें हम एग्जाम से रिलेटेड जो भी मटेरियल है वो हम डिस्कस करेंगे और एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में इम्पोर्टेंट है ठीक है जनरली ये सारी बुक्स हम आ, यूज करते हैं यूजी के लिए मैं मैं खुद ये डीएम वासुदेवन नाइन्थ एडिशन प्रीफर करता हूं फिर काफी सारी बुक्स है पंकजा नाइक काफी सारे इंस्टीट्यूट में पंकजा नाइक को रिकमेंड किया है रफी बायोकेमिस्ट्री फॉर अंडर ग्रेजुएट ये भी नई बुक है अच्छी बुक है ये भी काफी सारे इंस्टीट्यूट में यूज होती है हार्पर तो हर जगह पे यूज होती है हार्पर काफी अच्छी बुक है जेनेटिक के लिए मैं अरूर और हार्पर रिकमेंड करता हूं केसेस के लिए मेरी खुद की बुक है उसका नाम है केस ओरिएंटेड अप्रोच इन बायोकेमिस्ट्री फिर एसके गुप्ता भी एक अच्छी बुक है और काफी सारे बच्चे सत्यनारायण यूज करते हैं वो भी काफी अच्छी बुक है तो बुक कोई भी यूज कर सकते हो आप उस बुक की आप, आपकी कम से कम तीन से चार रीडिंग होनी चाहिए तब आप जो लिखेंगे वो टू द पॉइंट रहेगा डायग्राम्स आप निकाल सकोगे और एक्सप्लेनेशन आपका अच्छा रहेगा आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे तो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे एंजाइम एंजाइम ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैक्सिमम इंस्टीट्यूट में ये जो टॉपिक है ये प्रोफेसर लोग पढ़ाते हैं इसलिए जनरली uh, जो पेपर सेट होता है वो प्रोफेसर लोग करते हैं और इसमें से क्वेश्चन रहता ही है तो ये काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें एक इसमें से एक एलो तो रहता ही है तो आपको समझ में आया जो भी हमारा सिलेबस है उसमें से हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको उसके ऊपर ध्यान देना है पहले और जो भी डेंस टॉपिक है मतलब छोटा टॉपिक है और जो एग्जाम में पूछने के चांसेस ज्यादा है उसपे भी हमको ध्यान देना है तो आज हम एनजाइम डिस्कस करेंगे ये चैप्टर में काफी सारे एलेक्व है जैसे पहला एलिक्यू है क्लासिफाई एंजाइम क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम ये जो तो ये है ये इंपॉर्टेंट एलेक्क्यू है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम अकॉर्डिंग टू आई यूबी एंड एमबी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी देर आर सेवन क्लासेस अभी ये जो है इसमें सिक्स क्लासेस दिए है देर इज सेवंथ क्लास दैट इज नोन एज ट्रांसलोकेज ट्रांसलोकेज एक सेवन क्लास है ये आपको आईओबीएमबी के वेबसाइट पे भी मिलेगा एंजाइम के अंडर में और आ, पंकजा नाइक में भी इसको मेंशन किया है सेवन क्लास ऑफ एंजाइम ट्रांसलोकेज एंड एग्जांपल इज सोडियम पोटेशियम एटीपेज इट इज एग्जांपल ऑफ ट्रांसलोकेज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन अक्रॉस द मेम्ब्रेन पहले ये जो था ये थर्ड में आता था अभी ये अलग से इसका क्लास बन गया है सेवन क्लास ओके आर सेवन क्लासेस तो क्वेश्चन कैसा रहेगा कि क्लासिफाई एंजाइम क्लासिफाईब एग्जाम्पल तो इसमें हमको एक एक लिखना है एक एक एंजाइम का नाम लिखना है और पॉसिबल हुआ तो हमको उसकी रिएक्शन लिखनी है तो आपको फुल मार्क्स मिलें, मिलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम विथ सुटेबल एग्जाम्पल इसके साथ आपको डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है डेफिनेशन तो आपको पता है एंजाइम दे आर एंजाइम्स आर बायो कैटालिस्ट एंड दे आर सी टीपीएस इन नेचर सीटी पी एस कोलाइडल थर्मोलेबाइल प्रोटीन एंड स्पेसिफिक इन देयर एक्शन और यहां पर एमसीक्यू हैोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम राइबोजाइम्स दे आर एनजाइम बिकॉज ऑफ देयर आर एन ए पार्ट नॉट ड्यू टू प्रोटीन पार्ट तो एक so, क्वेश्चन हो गया फिर को शॉर्ट नोट है इसमें दो तरह के क्लासिफिकेशन है विटामिन को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड कोइनजाइम अदर देन बी कॉम्प्लेक्स ये क्लासिफिकेशन है दूसरा क्लासिफिकेशन है ये दोज हु आर हुई इन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दोज हु आर नॉट हुआ इन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओके तो ये दो तरह के क्लासिफिकेशन है को एंजाइम दे आर नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक लो मॉलिकुलर वेट डायलाइजेबल सब्सटेंस एसोसिएटेड विथ एंजाइम एक्शन एंजाइम के लिए जो जरूरी होता है उसको बोलते हैं कोएंजाइम ठीक है तो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन अगर आप याद रखोगे तो कोंजाइम भी आप इजीली याद रख सकते हो को एंजाइम को फैक्टर उसके बाद में एक LAQ है मेकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन इसमें चार पॉइंट आने चाहिए ये भी एक इंपॉर्टेंट एलेक्क्यू है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन इसमें चार पॉइंट आने चाहिए एंजाइम लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी ये पहला पॉइंट है सेकंड पॉइंट है दे फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट ट्रांजिशन स्टेट ओके मतलब इंटरमीडिएट स्टेट जब वो सबस्टेट भी नहीं है और प्रोडक्ट भी नहीं है ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है एंजाइम एक्शन में फिर थे रिलेटेड टू एंजाइम एक्शन तीन थेरीज है लॉक एंड की मॉडल सब्स्ट्रेट स्ट्रेन थे एंड कोस्टलैंड मॉडल और फिट इंडोसफिट ये तीन थेरीज है ये तीन थेरीज का नाम आना चाहिए इसमें और एक्चुअल मेकेनिज्म ऑफ कैटालिसिस में आता है एसिड बेस कैटालिसिस कोवेलेंट कैटालिसिस सबस्टेट स्ट्रेन एंड कैटालिसिस बाय प्रोक्सिमिटी उसको ही बोलते हैं एंट्रोपी इफेक्ट ठीक है यह है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन माइकेलिस मेंटेन कांस्टेंट पे आपको शॉर्ट नोट आ सकता है या माइकेलिस मेंटेन कांस्टेंट पे आपको एक ब्रीफ आंसर क्वेश्चन आ सकता है बी ए क्यू ठीक है इट इज ए सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन टू प्रोड्यूस हाफ ऑफ द वेलोसिटी माइकेलिस मेंटेन कांस्टेंट इट इज नथिंग बट द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन टू प्रोड्यूस हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी ठीक है तो ये हो गया आ, ऑफ एंजाइम एक्शन अभी हमने कौन-कौन से क्वेश्चन डिस्कस किए क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम को एंजाइम शॉर्ट नोट मेकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम फिर एक्टिव साइट शॉर्ट नोट आ सकती है एक्टिव साइट मतलब वो साइट जहां पे सब्सट्रेट अटैच होता है एंजाइम के साथ फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी ए बी इंपॉर्टेंट एल ए क्यू है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी इसमें आता है अगर आप ये रिएक्शन पकड़ोगे मतलब सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट प्लस एंजाइम, ओके इसमें क्या क्या है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन ये तीन फैक्टर हो गए जो कि वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं मिस फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एंजाइम कॉन्ट्रेशन प्रोडक्ट कॉन्सट्रेशन फिर पीएच टेम्परेचर आएगा इफेक्ट ऑफ एक्टिवेटर्स इफेक्ट ऑफ इनिबिटर ये सारे फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी एंजाइम इनिबिशन एक इंपॉर्टेंट एलेक्क्यू है एंजाइम इनिबिशन एलेक्ट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन इसमें कॉम्पिटेटिव इनिबिशन है नॉन कॉम्पिटेटिव इनबिशन है एंड अनकम्पिटेटिव इनिबिशन तो ये एक एलिक्यू है इसमें ये जो ग्राफ्स दिए हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है इसमें से ये जो है यूजेस ये भी एक शॉर्ट नोट है और ये जो ग्राफ्स है इस पर एक एमसीक्यू रहता ही है कि कॉम्पिटेटिव इनिबिशन में वी मैक्स के साथ क्या होता है और केएम वैल्यू के साथ क्या होता है तो ये एक इंपॉर्टेंट है ठीक है ये थेराप्यूटिक यूजेस और कॉम्पिटिटिव इनिबिशन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है और इस पे एमसीक्यू आता है मेनली सक्सिनेट डिहाइड्रोजेनेस पे आता है मैलोनेट इनहिबिट सक्सिनेट डिहाइड्रोजेनेस ये इसमें नहीं है मैलोनेट इनहिबिट सक्सिनेट डिहाइड्रोजेनेस ये कॉम्पिटिटिव इनिबिशन का एग्जांपल है उसका थेराप्यूटिक कोई यूज नहीं है इसलिए इस चार्ट में नहीं दिया है स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम पे शॉर्ट नोट आता है आइसो एंजाइम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट आइसो एंजाइम्स इसमें एलडीएच के आता है एलडीएच के आइसो एनजाइम्स आते हैं सीके एम बी के आइसो एनजाइम आते हैं फिर एएलपी के आइसो एनजाइम्स आते हैं ये सब ये सब के आइसो एंजाइम्स आते हैं और उसके थेरा क्लिनिकल यूजेस आते हैं जो कि हम डायग्नोसिस में यूज करते हैं फिर क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी में आता है कार्डियक बायोमार्कर ए बी शॉर्ट नोट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट कार्डियक बायोमार्कर्स एंजाइम पैटर्न्स इन लीवर डिसीजेस ए बी शॉर्ट नोट है ठीक है यूजेस ऑफ एंजाइम थे ब्रीफ आंसर क्वेश्चन में आ सकता है तीन चार यूजेस है इसमें अभी कितने दिए इसमें आठ दिए है कुछ कुछ बुक्स में चार पांच दिए है तो ये बी ए क्यू में पूछा जा सकता है थेरापटिक यूजेस ऑफ एंजाइम डायग्नोस्टिक यूजेस ऑफ एंजाइम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलेक्क्यू है डायग्नोस्टिक यूजेस ऑफ एंजाइम डायग्नोस्टिक मीन्स डायग्नोसिस ऑफ डिसीजेस में जो एंजाइम यूज होते हैं तो ये जो चार्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस डायग्नोस्टिक यूजेस में जैसे लिवर एंजाइम है एसजीओटी एसजीपीटी और टी एस लीवर डिसीजेस में बढ़ते हैं ए एल पी फाइव प्राइमन ये ऑब्स्ट्रक्टिव uh, डिसीजेस में बढ़ता है ग्लूटामिल ट्रांसपेप्टिडेज जो है वो अल्कोहलिक लिवर डिसीज में बढ़ता है सीपीके के एम बी एल डी एच वन एसजीओटी ये जो एंजाइम्स है ये इसमें बढ़ते हैं हार्ट डिसीजे में बढ़ते हैं uh, सीके क्रिएटिन काइनेज आइसोएंजाइम मसल में बढ़ता है बोन में अल्कलाइन डिस बढ़ता है प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजेन और एसिड फॉस्पेटेज है ये प्रोस्टेट कैंसर में बढ़ते हैं तो ये जो है अमाइलेज लाइपेज ये पैनक्रेटाइटिस में बढ़ते हैं ये उसके डायग्नोस्टिक यूजेस है ये काफी इंपॉर्टेंट एल है तो ये चैप्टर जो है एंजाइम ये काफी इंपॉर्टेंट है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है विथ एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू आई यूबीएम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी फिर दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फैक्टर्स फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी है इनिबिशन एंजाइम इनिबिशन ये इंपॉर्टेंट एलिक्यू है और डिफरेंस भी पूछा जा सकता है कॉम्पिटेटिव और नॉन कॉम्पिटेटिव का फिर फोर्थ मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन ये भी इंपॉर्टेंट एलेक्टू है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन इसमें हमने चार पॉइंट डिस्कस किए थे फिर रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी ए भी इंपॉर्टेंट ये है रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी उसमें काफी सारा आता है एक्टिविटी रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी इसमें एलोस्टेरिक रेगुलेशन आता है फिर कंपार्टमेंटेशन आता है फिर कोवेलेंट मॉडिफिकेशन ऑफ एंजाइम आता है फिर इंडक्शन रिप्रेशन आता है ये जो है रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर सिक्स वन इज द डायग्नोस्टिक इम्पोर्टेंस डायग्नोस्टिक इम्पोर्टेंस ऑफ एंजाइम जो कि डिसीजेस में यूज करते हैं फिर आइसो एंजाइम इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आइसो एंजाइम फिर को एंजाइम इंपोर्टेंट क्वेश्चन है को एंजाइम फिर बीए क्यू काफी सारे हैं इसमें और एमसीक्यूज काफी सारे हैं तो नया क्लास याद रखना है आपको ट्रांसलोकेज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ आयन अक्रॉस द मेम्ब्रेन सोडियम पोटेशियम एटीपेज उसका एग्जाम्पल है ये आपको याद रखना है के एम वेलू का मीनिंग क्या होता है ये आपको याद रखना है इट इज ए सबस्टेट कॉन्सेंट्रेशन टू प्रोड्यूस हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी इनिबिशन में कॉम्पिटेटिव इनिबिशन के एग्जाम्पल याद रखने हैं उसके यूजेस याद रखने हैं और यहाँ पे सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेस वाला जो है मेलोनेट इनिबिट सक्ट डिहाइड्रोजनेज ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है फिर मेकेनिजम ऑफ एंजाइम एक्शन में चार पॉइंट्स याद रखने हैं एनजाइम लोवर्स द एक्टिवेशन एनर्जी फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट थेरी इज रिलेलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन और एक्चुअल मेकेनिजम ऑफ कटेलिसिस चार पॉइंट है आप वीडियो में देख सकते हैं मेरे ऑनलाइन वीडियोज है उसमें भी देख सकते हैं फिर रेगुलेशन ऑफ एनजाइम एक्टिविटी ये भी इंपॉर्टेंटेंटेंटेंटेंट क्वेश्चन है डायग्नोस्टिक यूजेस इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन हो गया कि उसके बाद में ये सबसे इंपॉर्टेंट है डायग्नोस्टिक यूजेस ऑफ एंजाइम आइसो एनजेम इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें एलडीएच पे भी क्वेश्चन आ सकता है इसमें सीके एमबी पे भी, भी सीके पे भी क्वेश्चन आ सकता है क्रिएटिन और अल्कलाइन पे भी क्वेश्चन आ सकता है तो ये इंपॉर्टेंट है और ये डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस का इंपॉर्टेंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम का पार्ट भी है तो ये ओवरलैपिंग है टॉपिक आइसो एनजेम फिर को एंजेम भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो ये सब आपको प्रिपेयर करना है जब भी आप एंजाइम प्रिपेयर करोगे आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे बताना फिर इस तरीके से हम हर टॉपिक पे वीडियो बनाते जाएंगे आपके लिए जो कि आपको लॉकडाउन में हेल्पफुल रहेंगे ये जो टॉपिक है इसमें चार इम्पोर्टेंट केसेस है पहला है एम आई माओकार्डियल जिसमें अपने को सी पी के क्रिएटिन फॉस्फोकाइने बढ़ा हुआ रहेगा एल डी एच वन बढ़ा हुआ रहेगा और एस जी ओ टी जो कि नॉन स्पेसिफिक है ये भी बढ़ा हुआ मिलेगा तो पहली केस है एम की फिर दूसरी केस है वायरल हिपेटाइटिस की वायरल हिपेटाइटिस ये केस में हमको एस और एसजीपीटी, ये जो एंजाइम्स है लीवर स्पेसिफिक एंजाइम्स, ये बड़े हुए मिलेंगे मोर स्पेसिफिक है, एस एसजीपीटी। और ए जो रहेगा अल्कलाइन फॉस्फेटेज़ ये स्लाइड इंक्रीज रहेगा थर्ड इंपॉर्टेंट केस है ये चैप्टर में ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस इसमें मेन है ए एल पी अल्कलाइन फॉस्पिटिस काफ़ी रेज रहेगा और फाइव प्राइम न्यूक्लियोटाइटिस रेज रहेगा और ओ टी पी टी जो है एच जी ओ टी जी पी टी ये स्लाइटली इंक्रीज रहेगा और चौथी केस रहेगी पेनक्रियाटाइटिस की पेनक्रियाटाइटिस की इसमें हमको अमाइलेज बढ़ा हुआ मिलेगा और लाइपेज बढ़ा हुआ मिलेगा Lipase is more specific for pancreatitis than amylase. Amylase is non specific because it increases in many abdominal conditions, especially in perforation. So, these are the four important cases related to the topic enzyme.